जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक नवादा सर के आदेशानुसार नवादा जिला में साइबर के ऊपर काफ़ी कार्य किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी एक कलेक्टिव स्टार्ट किया गया है, जिसमें वो कुछ नंबर्स चिन्हित करके देते हैं जो कि NCERT के पोर्टल पे जिन पे शिकायत दर्ज है और उन पे साइबर प्रहार में इस ड्राइव चलाया जाता है। अभी वो वही समय चल रहा है, हम लोग को साइबर प्रहार के अंदर इस ड्राइव चलाना था, तो हम लोग कुछ आइडेंटिफाइड नंबर्स को फॉलो करते हुए छापामारी करने पैंगड़ी गांव वारसलीगंज थाना में गए। वहाँ पे जब हम गए तो हमें बहुत सारे लोग एक बगीचे में साइबर ठगी करते हुए दिखे। जब हमने उनको खदेड़ा तो हमें देख के बहुत दूर के भागने लगे। हमने बहुत दूर दूर तक खदेड़ के गांव खेत में से और हम लोग पकड़ के लाए। वहाँ से फिर हम लोग चार लोगों को पकड़ के लाए, उनके निशानदेही पे फिर हम एक और को ले आए पैंगड़ी गाँव के लड़के को, जो उसके पास से भी वो नंबर्स मिले हैं जिससे साइबर ठगी किया जा रहा था। तो कुल 5 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें न्यायालय में भेजा जा रहा है। ये लोग इस्लामिक फाइनेंस बैंक के नाम पे 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन दिलाने के नाम पे ठगी करते थे और साथ में डोमिनोज एंड जूडियो का फ्रेंचाइजी देने के नाम पे ठगी करते थे। इन लोगों के पास वही डेटा है, वो अब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, पुराने डेटा ये नहीं रखते, एक दिन का डेटा रख रहे हैं और उस पर कॉल करते हैं डेली, ये सारे डेटा फाटते हैं। तो लेकिन हमारे पास 2 कॉपीज़ भी मिली हैं जिस पे हर एक दिन के ये जितने लोगों को कॉल किए हैं उनके नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य, ईमेल आईडी इत्यादि लिखे हुए हैं और उसके सामने क्या उनकी बात हुई है ये लिखे हुए हैं। स्पेशली लोन के केस में ये 1750 रुपये का ये मांगते थे प्रोसेसिंग फ़ी और उसके बाद अदर फी के नाम पे और पैसे मांगते थे, लेकिन जो फ्रेंचाइजी देने के नाम पे ये बहुत बल्क अमाउंट मांगते थे, जैसे 2 से 3 लाख रुपया शुरू में प्रोसेसिंग फ़ी मांगते थे, उसके बाद NOC के नाम पे 5 से 8 लाख रुपए मांगते थे। जैसे हमें एक वादी मिले हैं तेलंगाना के, जिनकी वाइफ के नाम पे इन्होंने यही फ्रेंच जूडियो फ्रेंचाइजी के लिए पैसे मांगे थे, वाइफ के नाम पे उन्होंने ऑप्ट किया था और उन्होंने कुछ 8.5 लाख रुपए इन्हें दे दिया है। उनका FIR भी तेलंगाना पुलिस के पास है, जिससे हम तेलंगाना पुलिस से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं ताकि इन लोगों को वहाँ भी रिमांड किया जा सके। हमारे साथ कुल हमारे थाना एवं पुलिस लाइन से उपलब्ध स्वैट बल उपलब्ध थे, जिनके साथ हम लोगों ने ये पूरी छापामारी की है। हमने टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम शशि कुमार है जो वारसलीगंज नवादा के हैं, पवन कुमार हैं जो भी पैंगरी वारसलीगंज नवादा के हैं, एक और हैं शशिकांत कुमार उर्फ डब्लू जो कि पैंगरी गाँव के ही हैं वारसलीगंज नवादा, एक और शशिकांत कुमार हैं जिनका नाम और भी है गुड्डू, वो हैं बिहार शरीफ के नालंदा के, रवि कुमार हैं जो कि देवीसराय बिहार शरीफ के हैं नालंदा के,